हेलो स्टूडेंट्स, हम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 8 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं चैप्टर 8 को प्रारंभ करने से पहले, जैसा मैं हमेशा करवाती हूँ कि सभी चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं उसके शब्दार्थ को संस्कृत उच्चारण के साथ उसके हिंदी अर्थ को भी मैं आपको बताती हूँ। तो आइए, आज चैप्टर 8 को प्रारंभ करने से पहले मैं जो उसके शब्दार्थ में जो भी संस्कृत के शब्द दिए हैं उन शब्द का उच्चारण करूँगी एवं इसके हिंदी अर्थ को मैं आपको बताऊँगी। चैप्टर 8, बच्चों आपका चैप्टर 8 जिसका कि शीर्षक है परोपकार। परोपकार के विषय में दिया गया, यानी परोपकार के विषय में, यानी जिसका जो कोई दूसरे का उपकार करता है, इसका शीर्षक वही है परोपकार, दूसरों का उपकार करने वाला। तो भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के उपकार में ही लगा दिया। तो इन चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके संस्कृत वाक्य का हिंदी अनुवाद कर, हिंदी अर्थ बताने से पहले मैं क्या करूँगी, इस चैप्टर के शब्दार्थ को पढ़ूँगी। मैं इसके शब्दार्थ को, आपके जिस संस्कृत शब्द है इसका उच्चारण करूँगी एवं उसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताऊँगी। आप सभी बच्चे भी पहले अपने पाठ को प्रारंभ करने से पहले क्या करेंगे, तो वर्ड मीनिंग जो, यानी जो शब्दार्थ दिया गया उसे अवश्य ही याद करेंगे। तो ये देखते हैं, इसका पहला शब्द है अस्माकम। अस्माकम का हिंदी अर्थ होता है हमारा। धड़ायाम, धड़ायाम का हिंदी अर्थ होता है धरती पर। परेशान, परेशान का हिंदी अर्थ होता है दूसरों का। उपकार, उपकार का हिंदी अर्थ होता है उपकार। महत्वम, महत्वम का हिंदी अर्थ होता है महत्व। कथितम, कथितम का हिंदी अर्थ होता है कहा। वर्धते, वर्धते का हिंदी अर्थ होता है बढ़ते हैं। शेनाय, शेनाय का हिंदी अर्थ होता है बाज को। कपोतस्य, कपोतस्य का हिंदी अर्थ होता है कबूतर की। अस्थिनी, अस्थिनी का हिंदी अर्थ होता है हड्डियाँ। मांसम, मांसम का हिंदी अर्थ होता है मांस। असहाय, असहाय का हिंदी अर्थ होता है असहाय। पिपासितेभ्यः, पिपासितेभ्यः का हिंदी अर्थ होता है प्यासों को। नद्यः, नद्यः का हिंदी अर्थ होता है नदियाँ। बुभुक्षितः, बुभुक्षितः का हिंदी अर्थ होता है भूखा। भ्रातृभावः, भ्रातृभावः का हिंदी अर्थ होता है भाईचारा। इस प्रकार से मैंने आपके सभी संस्कृत शब्द का उच्चारण किया एवं उसके हिंदी अर्थ को बताया है। आप सभी बच्चे भी इस वर्णिनी को, जो आपका जो शब्दार्थ है उसको याद कर लेंगे, इसके संस्कृत शब्द एवं उसके हिंदी अर्थ को याद कर लेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर में जो भी संस्कृत के वाक्य हैं उसका हिंदी अर्थ समझने में सहूलियत होगी एवं इसमें जो भी अनुवाद दिए गए रहते हैं, तो यदि आपको इस वर्ड मीनिंग का पता होता है तो आप और अच्छे प्रकार से संस्कृत एवं हिंदी का अनुवाद कर पाते हैं। इसीलिए शब्दार्थ को याद करना अति आवश्यक है। बच्चों, अभी मैंने जो आप शब्दार्थ में जो संस्कृत शब्द का उच्चारण किया एवं उसके हिंदी अर्थ को मैंने आपको बताया है पढ़ के, ये आप सभी के बुक में दिया गया है ये शब्दार्थ। आप सभी बच्चे भी पाठ को पढ़ने से पहले इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे। आपका पाठ लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।